स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले आपको जो है पता होना चाहिए नर्वस सिस्टम क्या है। नर्वस सिस्टम ये हमारी बॉडी के अंदर एक ऑर्गन सिस्टम है जो क्या करता है, ट्रांसमिट मैसेजेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर। यानी कि अगर हम इसको आसान अल्फाज में कहें, ये एक ऐसा ऑर्गन सिस्टम है कि जो जिस्म के एक हिस्से से पैगामात को लेकर जिस्म के दूसरे हिस्सों की तरफ लेकर जा रहा होता है, और हमारे बॉडी के जितने भी फंक्शन होते हैं, जितने भी पार्ट्स होते हैं, उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन जो है वो प्रोड्यूस करवा रहा होता है। ये होता है नर्वस सिस्टम। और अगर हम नर्वस सिस्टम के पार्ट्स की बात करें तो नर्वस सिस्टम के बेसिकली टू पार्ट्स होते हैं। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सेकेंड है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ये टू पार्ट्स पे प्रेजेंट होता है। इसके दो जो हैं वो पार्ट होते हैं, दो इसके से होते हैं। एक है हमारा ब्रेन और सेकंड वन इसमें होता है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये बेसिकली नेटवर्क ऑफ नर्व्स, मींस के इसके अंदर जो है वो नर्व्स का पूरा एक जाल प्रेजेंट होता है कि जो हमारी जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनको ब्रेन के साथ कनेक्ट करवा रहा होता है। अब आगे हम बात करते हैं कि जो नर्वस सिस्टम है, देखिए हम जब से साइंस पढ़ते आ रहे हैं, आपने जब सिक्स क्लास की साइंस स्टार्ट की थी वहाँ पे आपने डेफिनेशन पढ़ी थी एक सेल की, और सेल को आपने बोला था इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। हर जो चीज़ है उसका कोई ना कोई यूनिट होता है, उसमें उसकी कोई ना कोई बुनियाद होती है। तो जो नर्वस सिस्टम है इसका जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है उसको हम कहते हैं न्यूरॉन, न्यूरॉन, या इसको हम दूसरा एक नाम देते हैं नर्व सेल, ठीक है। न्यूरॉन या नर्व सेल हम किसको कहते हैं, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरॉन। और न्यूरॉन बेसिकली करते क्या हैं कि ये हमारी बॉडी के अंदर जितने भी मैसेजेस जो हैं वो ट्रांसमिट हो रहे होते हैं वो न्यूरॉन जो है उनको ट्रांसमिट करवा रहा होता है। और न्यूरॉन किस शक्ल में इनको करवा रहा होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स की सूरत में, इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स, ठीक है। और इस हम जो इस वे में जो जो मैसेजेस ट्रांसमिट हो रहे होते हैं उनको हम एक टर्म से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, वो है नर्व इम्पल्स। यानी कि आप नर्व इम्पल्स को किस तरह से डिफाइन करेंगे, जो न्यूरॉन्स हैं ट्रांसमिट मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स इज कॉल्ड।